दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर किन्नौर कांग्रेस की विशेष बैठक रिकांगपियो में आयोजित की गई। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं किन्नौर कांग्रेस प्रभारी केएस सिंह खाची ने बताया कि पंचायती राज चुनाव दिसंबर में होने हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार ने अभी तक रोस्टर तक जारी नहीं किया है और न ही आरक्षण का अंतिम निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनावों में कांग्रेस विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में विशेषकर किन्नौर में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व किन्नौर में विधायक जगत सिंह नेगी के समय विकास हुआ। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित लोग ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। सबसे पहले तो मुझे आपत्ति इस बात की है और बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे प्रेस में कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार जानबूझकर ऐसे समय में और ऐसे क्षेत्र में जहां स्नो बाउंड एरिया है, आप जानते हैं, जहां सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में तो बर्फ पड़ती है, तो इस दूर दराज इलाके किन्नौर में पड़ती है। और जबकि हमारे चुनाव दिसंबर माह में होंगे और अभी तक हिमाचल सरकार ने रोस्टर तक नहीं बनाया और आरक्षण का कोई भी अंतिम निर्णय नहीं निकाला कि कौन सी पंचायत कैसी रिजर्व होगी, किसके लिए रिजर्व होगी, बड़ा संशय बना हुआ। इससे ये प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश भाजपा सरकार जयराम सरकार जानबूझकर विलंब कर रही है ताकि अपने, क्योंकि ये गड़बड़ी करने में तो माहिर है ये लोग, और कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ देखा जा रहा है इनके द्वारा, कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि जब किन्नौर जैसे दुर्गम क्षेत्र का भी अभी तक कोई रोस्टर नहीं बना, कोई भी आरक्षण के कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि हाँ ये दिसंबर माह में या बर्फ से पहले क्या चुनाव करा पाएंगे, कुछ लगता नहीं है। और इससे यही प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। आप जानते हैं दूर दराज इलाके में अगर पंचायतों में विकास किया है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, और अगर किन्नौर की बात की जाए तो हमारे विधायक जग सिंह नेगी जी के कार्यकाल में ही विकास हुआ है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से मोहिंदर नेगी की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।